चित्रांगदा सिंह के पूर्व पति और गोल्फर ज्योति रंधावा और उनके एक साथी को अवैध शिकार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, अवैध शिकार मामले में पकड़े गए चित्रांगदा के एक्स हस्बैंड ज्योति रंधावा। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जी हाँ, बात चल रही है भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा के बारे में। उनके साथ एक उनका साथी भी गिरफ्तार हुआ है जो अवैध शिकार के मामले में यूपी के बहराइच में गिरफ्तार हुए हैं। रंधावा के पास से एक राइफल भी बरामद की गई है। इसके अलावा जानवर की खाल भी जब्त की गई। उन पर जंगली मुर्गे के शिकार का आरोप लगा है। दुधवा करतनिया घाट टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर रमेश पांडे ने बताया कि करतनिया घाट सेंचुरी से मिली जानकारी के मुताबिक रंधावा और उनके साथियों के पास से सांभर की खाल, 0.22 बोर की राइफल, लग्जरी गाड़ी और शिकार करने से संबंधित प्रतिबंधित उपकरण बरामद किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार ज्योति रंधावा अपने एक साथी महेश के साथ बहराइच के जंगल में मौजूद थे। यहां वन विभाग की टीम ने संदिग्ध गतिविधि देखते हुए उनकी गाड़ी रोकी तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। हाल ही में ही रंधावा को महाराष्ट्र के यवतमाल में आदमखोर बाघिन को तलाशने वाली टीम में शामिल किया गया था। बाघिन की तलाश के लिए बनी विशेष डॉग टीम का नेतृत्व ज्योति रंधावा ने ही किया था। इसके लिए उन्हें विशेष तौर पर दिल्ली से यवतमाल बुलाया गया था। अब वो खुद अवैध शिकार के आरोप में फंस गए। 40 साल की ज्योति रंधावा ने बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह से शादी की थी, लेकिन साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया था। ज्योति चित्रांगदा का एक बेटा भी है जिसकी कस्टडी चित्रांगदा को मिली है। वहीं पर साल 2094 से प्रोफेशनल तौर पर गोल्फ खेल रहे ज्योति रंधावा एशियन टूर से लेकर यूरोपियन टूर में हिस्सा ले चुके हैं। 2004 में यूरोपियन टूर पर वो अपना दमखम दिखा चुके हैं, लेकिन अब उनकी अवैध गतिविधि के चलते, अवैध शिकार के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि दोनों के पास से एक जंगली सुअर और जंगली मुर्गा सहित राइफल और लग्जरी गाड़ी बरामद हुई है। इन्हें जंगल से स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ने गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में और भी जांच कर रही है और भी तथ्य, और भी पुरानी बातें निकालने की कोशिश में जुटी पड़ी है, यानी कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गई है। आगे जो भी होगी अपडेट बताएंगे हम आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।